हेलो रितम, आपको आवाज आ रही है? जस्ट यस सेकंड। ओके रितम, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो बीसीओसी 132 से रिलेटेड है, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय 1% कंपनी, इसके बारे में हम आज बात करेंगे एंड डिस्क्राइब द रिलैक्सेशंस अवेलेबल टू ओपीसी 1% कंपनी। तो आपको आवाज आ रही है ना रितम? यस ओके कूल। तो आपको पता होगा ऑलरेडी कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं, बहुत तरह की कंपनीज होती हैं, है ना? 1% कंपनी होती है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाली कंपनी होती है, फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कंपनी जो है रजिस्टर कराई जा सकती हैं एट द रजिस्ट्रार ऑफिस। सो 1% कंपनी का मतलब हो गया कि एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके नाम पे वो कंपनी होगी और वो कंपनी वो खुद का होगा, मतलब वहां पे बहुत सारे मेंबर्स नहीं होंगे, ठीक है ना? एक ही बंदा जो है उसका मालिक रहेगा, उसका मालिकाना हक उसके पास रहेगा। 1% कंपनी इज अ टाइप ऑफ कंपनी दैट इज इनकॉर्पोरेटेड विद ओनली 1% एज इट्स मेंबर और शेयर होल्डर, ठीक है ना? तो ये जो कंपनी होगी, इसको जब इनकॉर्पोरेट किया जाएगा तो ये एक ही बंदा होगा जो कि इसका मेंबर होगा या फिर इसका शेयर होल्डर होगा, जैसे आप बोलना चाहो। अनलाइक अ सोल प्रोप्राइटरशिप, तो सोल प्रोप्राइटरशिप जनरली हम लोग पार्टनरशिप वगैरह में हम लोग करते थे कि सोल प्रोप्राइटरशिप होता है फिर पार्टनरशिप होता है, तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है, ठीक है? सोल प्रोप्राइटरशिप को रजिस्टर कराना जरूरी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, ओपीसी स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना होगा। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि अनलाइक अ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड ओपीसी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कोई भी कंपनी अपने मालिक से अलग होती है, कोई भी कंपनी अपने ओनर से डिफरेंट होती है। इफ यू आर रजिस्टरिंग योर कंपनी इन द रजिस्ट्रार्स ऑफिस, देन योर कंपनी विल बी अ लीगल एंटिटी, योर कंपनी विल बी अ डिफरेंट फ्रॉम यू, ठीक है ना? आपकी कंपनी का अपना पैन कार्ड होगा, अपना बैंक अकाउंट होगा, सब कुछ उस कंपनी के नाम पे होगा, ना कि आपके नाम पे होगा। तो एक कंपनी जो होती है वो अलग होती है, लेकिन जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है वहां पे आप अपने कंपनी को रजिस्टर नहीं करते हो, आप अपने बिजनेस को रजिस्टर नहीं करते हो, तो वो चीज जो है वो आपके साथ ही होती है, मतलब आपका जो लाइबिलिटी है वो भी अनलिमिटेड होगा। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस कर रहे हो और वहां पे अगर कोई लॉस होता है, तो उस लॉस को सिर्फ आपको, आपके बिजनेस को नहीं, आपको भी झेलना पड़ेगा। अगर लॉस आपके बिजनेस से ज्यादा हो जाता है, सपोज बिजनेस की वैल्यू 5 लाख है और आपको लॉस 10 लाख का हो गया है, तो 5 लाख तो बिजनेस के पास जो एसेट है वो आप बेच करके दे दोगे, लेकिन जो बाकी के 5 लाख है वो भी आपको देने पड़ेंगे, आपके पॉकेट से जाएंगे। लेकिन 1% कंपनी में ऐसा नहीं होता। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कंपनी जो है वो अपने शेयर होल्डर या फिर मेंबर से अलग है, तो अगर कंपनी में कुछ प्रॉब्लम होगा तो कंपनी की जितनी लाइबिलिटी है वो उतना ही पे करेगा, उसके मेंबर्स के ऊपर किसी भी तरह का आंच जो है नहीं आएगा, ठीक है ना? तो वो हो गया। ओके सर ओपीसी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विच मीन्स दैट द बिजनेस एंड द इंडिविजुअल आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटीज फॉर लीगल एंड टैक्सेशन पर्पस। तो दोनों चीजें जो है वो सेपरेट है, जो बंदा है और जो बिजनेस है, दोनों चीजें अलग अलग हैं, उनका एक लीगल स्टेटस है, उनका जो टैक्सेशन होगा वो भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके का होगा। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ओपीसी। सो द कंसेप्ट ऑफ ओपीसी वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 2013 अंडर द कंपनीज एक्ट 2013।
ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 आपने सुना होगा जब आप छोटे होंगे, आई गेस मे बी 11 12 या 10 में होंगे, नहीं आप तो तब और भी काफी छोटे होंगे, खैर कोई नहीं। सो ओपीसी का जो कंसेप्ट है वो 2013 से पहले नहीं हुआ करता था, एग्जिस्ट नहीं करता था, मतलब था लेकिन लोग उसको एज ए कंपनी रजिस्टर नहीं करते थे, वो उसको एज ए सोल प्रोप्रेटरशिप ही चलाते थे। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, अगर आप चाहो तो आप अपनी कंपनी को रजिस्टर भी कर सकते हो, अगर आप कंपनी को रजिस्टर करोगे तो उसके बहुत सारे फायदे हैं वगैरह वगैरह है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया डिस्क्राइब द रिलैक्सेशन अवेलेबल टू ओपीसी, तो कुछ रिलैक्सेशन, कुछ छूट, कुछ डिस्काउंट्स, डिस्काउंट बोलना गलत होगा, कुछ बेनिफिट्स जो है दी जाती हैं ओपीसी ओपीसीज को, जो कंपनीज होती हैं उनको, ठीक है। सो आप देखो यहाँ पे, सो अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 टू प्रोवाइड अ न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी फॉर स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स who wanted to operate as a company but did not want to take on additional burden of having multiple shareholders, ठीक है। तो ये उन entrepreneurs के लिए था जो कि अकेले ऑपरेट करना चाहते थे, ये नहीं चाहते थे कि उनके पास बहुत सारे मेंबर हो, लेकिन साथ ही साथ वो अपने नाम पे कंपनी भी स्टार्ट करना चाहते थे, ठीक है ना। तो ऐसा अभी के टाइम पे पॉसिबल है, आप अगर सिंगल एंटरप्रेन्योर हो तो आप डेफिनेटली अपनी कंपनी जाकर के रजिस्टर करा सकते हो कंपनीज एक्ट के अंडर अंडर में, और वो आपका वैलिड होगा। लेकिन पहले वैसा नहीं होता था, कंपनी चलाने के लिए कम से कम 2 लोग या उससे ज्यादा लोग, एक नियम भी है मिनिमम जो लोग होंगे या मैक्सिमम जो लोग होंगे उसको लेकर के एक लॉ भी है, एक पूरा प्रॉपर फिगर है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट फिलहाल इसके ऊपर फोकस करते हैं। सो ये जो है इसकी वजह से जो है ओपीसी वगैरह को इंट्रोड्यूस किया गया। नाउ अच्छा, आप एक देख रहे होगा कि जून टर्म एंड एग्जामिनेशन 2023 का ये नोट्स, एक्चुअली जो मैं क्वेश्चन अभी आपको करा रहा हूँ ये नोट्स से मैं करा रहा हूँ, ये नोट्स से क्वेश्चंस काफी सारे आए थे हमारे जो एग्जाम हुए थे जून वाले में। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस बार भी वही सारे क्वेश्चंस आएंगे, कुछ अलग क्वेश्चंस आएंगे। मैं फ्रेश नोट्स, अभी थोड़ा सा काम बाकी है फ्रेश नोट्स तैयार होने में, अगर आपको नोट्स लगेगा जैसा कि आपको लगेगा इन फ्यूचर तो वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड करूंगा बिकॉज यू आर डूइंग ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। सो द नोट्स विल बी एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू। सो राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस नोट दैट आई हैव प्रिपेयर्ड, बट सून वी विल डू स्टडी विद आवर जो करेंट नोट्स होगा उसके साथ, ठीक है। तो इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है कि ये पुराना है, पुराना है बट स्टिल रेलेवेंट है, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। नाउ द फॉलोइंग्स आर द रिलैक्सेशन अवेलेबल टू ओपीसी। अब ओपीसी अगर आप हो, अगर आप ओपीसी स्टार्टअप कर रहे हो तो आपको क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं अगर आप कंपनी को रजिस्टर करते हो, ठीक है। सबसे पहला है वन डायरेक्टर, एंड एंड ओपीसी कैन हैव ओनली वन डायरेक्टर, ओपीसी में एक ही डायरेक्टर होगा, जिस बंदे का बिजनेस होगा उसी वही बंदा जो है उसका डायरेक्टर होगा, कंपनी किस दिशा में जाएगी, किस कैसे आपको अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना है उसके सोल कर्ता धर्ता आप ही रहने वाले हैं, विच मीन्स दैट द ओनर कैन ऑल्सो बी सोल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, है ना। जो ओनर है वो अपनी कंपनी का सोल डायरेक्टर हो सकता है। दूसरा है सेपरेट लीगल एंटिटी, पहले भी हम लोगों ने किया कि सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि जो उसकी लायबिलिटी होगी वो अलग होगी उसके ओनर से, ठीक है ना। ओनर की लायबिलिटी खुद को लेकर के है, लेकिन उसने जैसे ही कंपनी को रजिस्टर कर दिया तो जितने भी पैसे उसने कंपनी में लगाए थे उतने पैसे वो पाने को एलिजिबल है कंपनी के पास से, तो उसकी लायबिलिटी उतनी ही है जितने पैसे उसने लगाए हैं, उससे ज्यादा उसकी लायबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। सो विच मीन्स दैट द लायबिलिटी ऑफ द ओनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, उसकी लायबिलिटी उतनी ही है जितने पैसे उसने कंपनी में लगाए हैं। सपोज 5 लाख रुपए से उसने कंपनी स्टार्ट की तो उसकी लायबिलिटी 5 लाख रुपए तक ही है, क्योंकि उसके पास 5 लाख रुपए तक का शेयर है, कंपनी का 100% शेयर उसी के पास है। तो अगर कंपनी को लॉस कभी होगा तो उसको कंपनी से पैसे देने पड़ेंगे, कंपनी 5 लाख की है तो कंपनी के 5 लाख रुपए ही आपको देने पड़ेंगे, आपको अपने पॉकेट से नहीं देना होगा। लेकिन सोल प्रोप्रेटरशिप में क्या होता था कि आपको अपने पॉकेट से भी देना पड़ता था, दैट इज व्हाई वी कॉल ओपीसी एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, क्लियर। थर्ड पॉइंट है नो मिनिमम पेड अप कैपिटल, यहाँ पे कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल नहीं होता है, ठीक है ना। आपने जब शेयर्स वगैरह 11 12 में किया होगा तो वहां पे पेड अप कैपिटल है ना, कॉल्ड अप कैपिटल, बहुत सारी चीजें होती थी, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी वही है कि जो पेड अप कैपिटल होता है, जो पैसे आपने बिजनेस में लगा रखे हैं उसके लिए ना कोई मिनिमम अमाउंट फिक्स नहीं है कि आप कितना रुपए जो है मिनिमम आप लगा सकते हैं, मिनिमम यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम भी आई गेस कुछ भी हो सकता है, दैट इज नॉट मेंशन ओवर हियर, बट मिनिमम कोई नहीं है, आप 5,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो बिजनेस, कोई दिक्कत नहीं है, ओपीसी आप खुद को रजिस्टर करा सकते हो। लेकिन कोई बंदा अगर ओपीसी स्टार्ट कर रहा है, खुद को रजिस्टर कर रहा है मार्केट में, तो उसका मतलब है उसके पास काफी अच्छा खासा कैपिटल है, उसने काफी बड़े बिजनेस को स्टार्ट किया है। मैं जिस सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल नहीं है,
ठीक है ना। सो देर इज नो मिनिमम ओके कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर इनकॉर्पोरेटिंग एन ओपीसी। कोई भी मिनिमम कैपिटल की आवश्यकता नहीं पड़ती है जब आप ओपीसी को रजिस्टर करते हो, विच मीन्स दैट द ओनर कैन स्टार्ट द बिजनेस विद एनी अमाउंट ऑफ कैपिटल। आप अपने बिजनेस को कितने भी रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप खुद को एज ए ओपीसी रजिस्टर कराते हैं। तो एनुअल कॉम्प्लायंस, एन ओपीसी इज रिक्वायर्ड टू कॉम्प्लाई विद मिनिमल एनुअल कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट सच एज फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे हम लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं वैसे ही हर कंपनी को भी अपना इनकम टैक्स फाइल करना होता है। हर कंपनी का अपना एक ऑडिट होता है, फिर तो जो भी उसको टैक्स वगैरह जो लाइबिलिटी होगी वो उसको देने पड़ते हैं, तो उसके लिए तो आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। तो ओपीसी जो है उसको जो है मिनिमल जो थोड़ा बहुत जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आपको अपना एनुअल रिटर्न फाइल करना है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो है नहीं होता है, जो बाकी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वहां पे काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं ये काम, लेकिन ओपीसी के लिए उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। पांचवा नंबर ओके पॉइंट है लिमिटेड लाइबिलिटी। जो आपकी लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होगी। अब ये क्यों होगी? क्योंकि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है ना, वही बात है। एज द लाइबिलिटी ऑफ द ओनर इज लिमिटेड, जैसा कि आपका जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है, द पर्सनल एसेट्स ऑफ द ओनर आर प्रोटेक्टेड इन केस ऑफ एनी लीगल प्रोसीडिंग्स, है ना। यही मैं बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो पर्सनल एसेट है ओनर का, कंपनी का एसेट नहीं, कंपनी का एसेट बिक जाए ठीक है, लेकिन आपका एसेट के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। वही बात है कि जो ओनर है उसके एसेट्स प्रोटेक्टेड है इन केस ऑफ एनी लीगल प्रोसीडिंग्स और डेट्स ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का उधार है तो वो कंपनी ही चुकाएगी, भले ही वो कंपनी आपकी हो, पर वो कंपनी के बैलेंस शीट में से कटेगा, वो कंपनी के बैंक अकाउंट से कटेगा, आपके पास से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो जो लाइबिलिटी होती है वो भी लिमिटेड होती है, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। छठा पॉइंट है इजी टू कन्वर्ट, एंड ओपीसी कैन इजली कन्वर्ट इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। किसी भी ओपीसी कंपनी को आप बहुत ही आसानी से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो मिनिमम नंबर ऑफ पीपल चाहिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत रजिस्टर करने के लिए वो आपको लगेगा, कम से कम दो है शायद, दो जो है आपको होना चाहिए। सात होता है पब्लिक सेक्टर की कंपनी में और दो होते हैं प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में। ये फिगर मुझे आप थोड़ा बताना, ठीक है। मैं भी अभी श्योर नहीं हूँ, बट एज फार एज आई रिमेम्बर यही है, और कई बार इसमें चेंजेस वगैरह भी होते रहते हैं। आप एक बार चेक करके लेकिन मुझे बताना, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने मेंबर्स होते हैं प्राइवेट कंपनीज में और पब्लिक कंपनीज में, मिनिमम कितने होने चाहिए और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, ताकि आप एग्जाम में जब ये बात लिखें तो जो चेकर होगा उसको अच्छा लगे कि भाई बंदे को पता है। ठीक है, कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को। ओवरऑल ओपीसीज ऑफर मे रिलैक्सेशंस टू स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हु वांट टू ऑपरेट एज अ कंपनी एंड एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी एंड सेपरेट लीगल एंटिटी व्हाइल मिनिमाइजिंग द कंप्लायंस बर्डन। सो दीज आर द इसी को एक्चुअली जो भी हम लोगों ने पॉइंट्स अभी किया उसी को कंसाइज करके लिखा गया है। जो जो प्रॉपर बेनिफिट्स है उसको लिख दिया गया है। ओपीसी जो है आपको रिलैक्सेशन ऑफर करता है स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को, यहाँ पे किसी भी तरह का जो है आपको आपको आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई बर्डन नहीं है, कोई भी कॉम्प्लायंस का बर्डन नहीं है, क्योंकि सब कुछ बहुत आसानी से हो जाता है। आपकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है क्योंकि आप एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो। सो दीज आर द बेनिफिट्स यू गेट व्हेनेवर यू रजिस्टर योर कंपनी एज ए ओपीसी, राइट। सो ये हमारा टॉपिक था, एंड पिछले पिछले ईयर में आया था ये, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, आप एक बार इसको स्टडी कर लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक प्रीतम? नहीं सर, सर एक सवाल था कि सर आप जो पीडीएफ दोगे वो सर सफिशियंट होगा ना अच्छे मार्क्स गदर करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे, बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो पिछले साल भी हम ओके लोगों सर, ने नोट्स वगैरह बनाए थे, उसमें से काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। ओके तकरीबन 70-80% जो क्वेश्चंस है मैंने खुद भी चेक किया था, 70-80% तक के क्वेश्चन जो है आपके आराम से फंस जाएंगे। और इस साल हम लोग थोड़ा और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। इस बार जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनके ऊपर फोकस ज्यादा है, तो जो क्वेश्चन पिछले साल आ चुके हैं या उसके पिछले साल आ चुके हैं उन्हीं सारे क्वेश्चन को घुमा फिरा करके पूछा जाता है। तो आपको एक जो क्वेश्चन है ओके उसको समझना है खाली, और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको आंसर लिखना है, ठीक है। 70-80% मैं आराम से आपको दिलवा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके ठीक है। आप बस स्टडी करते रहो, ओके एंड असाइनमेंट्स मैं आज ही शेयर कर दूंगा, दो पेपर्स के मैं आज ही शेयर कर दूंगा, रेस्ट दो पेपर्स मैं कल शेयर करूंगा, कल शाम तक, कल सुबह तो ड्यूटी है, कल शाम तक मैं आपको शेयर करता हूँ। एंड यू स्टार्ट राइटिंग योर असाइनमेंट्स, एंड असाइनमेंट्स आपका आपको पता है ना कैसे लिखना है, ए4 साइज वाले पेज में लिखना होता है।
हाँ यस सर, मैंने देखा था A4 साइज में जो फाइल होता है ना, वो पेपर पेपर का, उसमें सबमिट करना होता है क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चंस के साथ, राइट। और सबसे ऊपर में एकदम जो फ्रंट पेज होगा, वो वहां पे आपको जो है अपना डिटेल्स वगैरह लिखना है। तो उसका एक परफॉर्मा आता है, एक है मेरे पास, मैं उसको सेंड कर दूंगा आपको। आप उसका प्रिंट आउट निकाल करके आपके असाइनमेंट्स के एकदम टॉप पे आपको उसको लगाना है, ठीक ओके सर, है। वहां पे आपका एनरोलमेंट नंबर, आप किस सेशन से बिलोंग करते हो, कौन से सेमेस्टर में हो, किस सब्जेक्ट से है, तो सारा कुछ उसमें रहता है, ठीक ओके है। सर, ओके सर, ओके देन, ओके। तो अगला क्लास हम लोग मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को करेंगे, बट इफ आई विल बी फ्री विद इन दीज 4-5 डेज, तो मैं डेफिनेटली बीच में एक और क्लास रख लूंगा। आप शाम के टाइम में फ्री हो ना? यस सर, मैं शाम के टाइम में फ्री। ठीक है, स्टिल हम लोग बात कर लेंगे अगर बीच में कोई क्लासेस होता है तो, ठीक है। ग्रुप पे ओके रहिएगा सर, एंड कीप चेकिंग स्टेटस, जो भी मैं सेंड करूँ आप उसको देखते रहिए। ओके सर, थैंक यू सर। ओके देन, बाय, गुड नाइट। गुड।